हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम जीएमसीएच से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद पार्किंसन डिजीज हैज अ नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट। यू ऑब्जर्व अ नर्सिंग असिस्टेंट परफॉर्मिंग ऑल ऑफ दीज एक्शंस, फॉर विच एक्शन मस्ट यू इंटरवीन? एंड द ऑप्शंस आर, द नर्सिंग असिस्टेंट असिस्ट द पेशेंट टू एम्बुलेट टू द बाथरूम एंड बैक टू द बेड। देन द नेक्स्ट इज, द नर्सिंग असिस्टेंट रिमाइंड्स द पेशेंट नोट टू लुक एट हिज फीट वेन ही इज वॉकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज, द नर्सिंग असिस्टेंट परफॉर्म द पेशेंट्स कंप्लीट बाथ एंड ओरल केयर। एंड ऑप्शन नंबर डी इज, द नर्सिंग असिस्टेंट सेट्स अप द पेशेंट्स ट्रे एंड एनकरेजेस द पेशेंट टू फीड हिमसेल्फ। सो इसमें क्या है कि पेशेंट को पार्किंसन डिजीज है, जिसकी वजह से देयर इज इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट। तो इसमें जो एक्शन है दैट इज परफॉर्म बाई नर्सिंग असिस्टेंट दैट विल बी इंटरवीन बाई द नर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू परफॉर्म द पेशेंट्स कंप्लीट बाथ एंड ओरल केयर। बिकॉज हमने इसमें पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है, डिपेंडेंट नहीं। सो इसीलिए द नर्सिंग असिस्टेंट शुड असिस्ट द पेशेंट विद मॉर्निंग केयर एज नीडेड, बट द गोल इज टू कीप दिस पेशेंट एज इंडिपेंडेंट एंड मोबाइल एज पॉसिबल। तो इसलिए हमने उसको पूरा अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना है। एंड जब भी पेशेंट बेड से कहीं पे भी एम्बुलेट कर रहा है तो उस टाइम पे असिस्ट करना है, ताकि जो रिस्क ऑफ फॉल है उसको हम प्रिवेंट कर सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू डिस्चार्ज अ पेशेंट विद क्रॉनिक लो बैक पेन, विच स्टेटमेंट बाई द पेशेंट इंडिकेट्स दैट एडिशनल टीचिंग इज नेसेसरी? एंड द ऑप्शंस आर, आई विल अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज द पेन गेट वर्स, आई विल यूज हीट और आइस टू हेल्प कंट्रोल द पेन। ऑप्शन नंबर सी इज, आई विल नॉट वियर हाई हील्ड शूज एट होम और वर्क। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज, आई विल परचेज अ फर्म मैट्रेस टू रिप्लेस माई ओल्ड वन। सो अगर पेशेंट को क्रॉनिक बैक पेन है तो उस टाइम पे कौन सी टीचिंग है, जो पेशेंट ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसको हमने कॉन्ट्राडिक्ट करना है और पेशेंट को एडिशनल टीचिंग प्रोवाइड करनी है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट आई विल अवॉइड एक्सरसाइज बिकॉज द पेन गेट वर्स। हमने पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट एक्सरसाइज कर सकता है, बिकॉज एक्सरसाइजेस आर यूज टू स्ट्रेंथन द बैक, रिलीव प्रेशर ऑन द कंप्रेस्ड नर्व्स एंड प्रोटेक्ट द बैक फ्रॉम री इंजरी। एंड डूइंग एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द लोअर बैक कैन हेल्प एलिविएट एंड प्रिवेंट लोअर बैक पेन। अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, एक्सरसाइज ऑल्सो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोअर बैक एरिया, विच मे रिड्यूस स्टिफनेस एंड स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। सो इसीलिए पेशेंट को हम मोटिवेट करेंगे फॉर द एक्सरसाइजेस। Now the next is, a patient with spinal cord injury complain about a severe thrombing headache that suddenly started a short time ago. Assessment of the patient revealed increased blood pressure and decreased heart rate, diaphoresis and flushing of the face and neck. Which action should you take first? And the options are, option number A is administer the ordered acetaminophen. Option number B is check the Foley's tubing for kink or obstruction. Option number C is adjust the temperature in the patient's room. And option number D is notify the physician about the change in the status. So, एक तो पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, साथ में पेशेंट ने कंप्लेन की है थ्रोम्बिंग हेडेक की, एंड ऑन असेसमेंट इंक्रीज बीपी इज देयर एंड ब्रेडिकार्डिया इज प्रेजेंट, एक्सेसिव ब्लीडिंग इज देयर एंड फ्लशिंग ऑफ द फेस एंड नेक। सो दिस इज द कंडीशन विच इज नोन एज ऑटोनॉमिक डिस रिफ्लेक्सिया। सो इसमें हम ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे, वी विल चेक द फॉलिस ट्यूबिंग फॉर किंक और ऑब्स्ट्रक्शन। सो दीज साइन एंड सिम्टम्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑटोनॉमिक डिस रिफ्लेक्सिया, अ न्यूरोलॉजिक एमरजेंसी दैट मस्ट बी प्रॉम्प्टली ट्रीटेड टू प्रिवेंट अ हाइपरटेंसिव स्ट्रोक। एंड द कॉज ऑफ दिस सिंड्रोम इज नॉक्शियस स्टिमुलाई, मोस्ट ऑफन अ डिस्टेंडेड ब्लैडर और कॉन्स्टिपेशन। सो चेकिंग फॉर पुअर कैथेटर ड्रेनेज, ब्लैडर डिस्टेंशन और फीकल इंपैक्शन इज द फर्स्ट एक्शन दैट शुड बी टेकन। सो अगर पेशेंट में ब्लैडर डिस्टेंशन है, जो फीकल इंपैक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, और इज देयर एनी थिंग इन द फॉलिस कैथेटर, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट के बीपी को इंक्रीज कर सकती हैं, जो कि ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है। नाउ द नेक्स्ट इज,
A patient with spinal cord injury at level C3 and C4 is being cared for in the emergency department. So what is the priority assessment? And the options are: determine the level at which the patient has intact sensation. Option number B is assess the level at which the patient has retained mobility. Option number C is check blood pressure and pulse for signs of spinal shock. And option number D is monitor respiratory effort and oxygen saturation. सो पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है एट सर्वाइकल 3 एंड सर्वाइकल 4 में, तो उसके लिए हम पेशेंट की रेस्पिरेशन चेक करेंगे. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बिकॉज द पेशेंट विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट C3 एंड C4 असेसिंग रेस्पिरेटरी पैटर्न एंड एंश्योरिंग एन एडिक्वेट एयरवे इज द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? बिकॉज द पेशेंट विद अ हाई सर्वाइकल इंजरी इज एट अ रिस्क फॉर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज बिकॉज द स्पाइनल नर्व इन नर्वेट द फ्रेनिक नर्व विच कंट्रोल द डायफ्राम. नाउ द नेक्स्ट इज यू आर प्रोवाइडिंग केयर फॉर अ पेशेंट विद एन एक्यूट हेमरेज स्ट्रोक. द पेशेंट्स हस्बैंड हैज बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट स्ट्रोक्स एंड आस्क व्हाई इज वाइफ डिड नॉट रिसीव एटीप्लास. व्हाट इज योर बेस्ट रिस्पॉन्स? So the options are: your wife was not admitted within the time frame that Etiplas is usually given. Option number B is this drug is used primarily for Etiplas who experience an acute heart attack. Option number C is Etiplas dissolve clot and may cause more bleeding into your wife's brain. And option number D is your wife had gallbladder surgery just 6 months ago and this prevent the use of Etiplas. सो बेसिकली एटीप्लास इट इज अ थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी. उसमें हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी में क्लॉट को डिजोल्व करने में यूज करते हैं. एंड इसका जो मेन सबसे मेन साइड इफेक्ट है दैट इज इंट्रा इंटरनल हैमरेज और ब्लीडिंग. सो दैट्स वाई हमने पेशेंट को बोलना है कि योर वाइफ इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज एटीप्लास डिजोल्व क्लॉट एंड मे कॉज मोर ब्लीडिंग इन योर वाइफ्स ब्रेन बिकॉज ऑलरेडी जो पेशेंट है वो हेमरेजिक शॉक के साथ प्रेजेंट स्ट्रोक के साथ प्रेजेंट है. सो एटीप्लास इज अ क्लॉट ब्लस्टर बस्टर विद अ पेशेंट हु हैज एक्सपीरियंस द हेमरेजिक शॉक देयर इज ऑलरेडी ब्लीडिंग इन टू द ब्रेन. और अगर हम पेशेंट को एटीप्लास देते हैं तो दैट विल वर्सन द ब्लीडिंग. सो दैट्स वाई इट शुड नॉट बी गिवन इन हेमरेजिक स्ट्रोक पेशेंट्स. नाउ द नेक्स्ट इज Which of the following arteries primarily feed the anterior wall of the heart? And the options are circumflex artery. Option number B is internal mammary artery. Option number C is left anterior descending artery. And option number D is right coronary artery. So, अगर हम heart की बात करते हैं तो after aorta, जो main blood flow है, that is provided by right and left coronary artery, जो कि आगे जाके further सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डिवाइड हो जाती है. तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बिकॉज जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को ब्लड प्रोवाइड करते हैं. एंड जो हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है वो लेटरल वॉल को करती है हार्ट ब्लड प्रोवाइड. एंड जो राइट कोरोनरी आर्टरी है सप्लाइज द इंफीरियर वॉल ऑफ द हार्ट. तो राइट कोरोनरी आर्टरी करेगी इंफीरियर वॉल को एंड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी करेगी एंटीरियर वॉल को और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी करेगी लेटरल वॉल को. और जो इंटरनल मेमोरी आर्टरी है वो मेमोरी ग्लैंड्स को ब्लड फ्लो प्रोवाइड करती है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. एंड द ऑप्शंस आर 100 mg पर डेसीलीटर, 150 mg पर डेसीलीटर, 175 mg पर डेसीलीटर और 200 mg पर डेसीलीटर. सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सीरम इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. तो कौन से वैल्यू पे हम बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो एट अ रिस्क है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ CAD? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 200 mg पर डेसीलीटर. अगर हम नॉर्मल हमारे कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो इट शुड बी बिटवीन 125 टू 200 एंड इफ इट इज मोर देन 200 तो उसमें जो पेशेंट है उसका जो सीरम कोलेस्ट्रॉल है दैट इज इंक्रीज्ड. सो कोलेस्ट्रॉल लेवल अबव 200 mg पर डेसीलीटर आर कंसिडर्ड एक्सेसिव. दे रिक्वायर डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एंड परहैप्स मेडिकेशन. एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल.
So the other level listed are all below are nationally accepted level for cholesterol and carry a lesser risk for CAD. So the normal level of serum cholesterol is within 125 to 200 mg per deciliter. तो इसके साथ साथ हमने पेशेंट को डाइट्री मॉडिफिकेशन के लिए बोलना है, मेडिकेशन स्टार्ट कर सकता है डॉक्टर, एंड पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए हमने बोलना है. नाउ द नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड ऑक्लूजन ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी प्रोड्यूसेस एन इन्फार्क्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ द हार्ट, एंड द ऑप्शंस आर एंटीरियर, एपिकल, इंफीरियर और लेटरल. सो ऑलरेडी ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी है, वो हमारे किस एरिया को ब्लड प्रोवाइड करती है. तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंफीरियर. सो इंफीरियर पार्ट ऑफ द जो हमारा हार्ट है उसको राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, एंटीरियर को हमारी लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी करती है, एंड लेटरल को हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है. नाउ द नेक्स्ट इज फातिमा विद अनीमिया हैज बीन एडमिटेड टू द मेडिकल सर्जिकल यूनिट. Which assessment finding are characteristic of iron deficiency anemia? And the options are night sweats, weight loss, and diarrhea. Option number B is dyspnea, tachycardia, and pallor. Option number C is nausea, vomiting, and anorexia. And option number D is itching, rash, and jaundice. So the patient है उसको iron deficiency anemia है. So जो हमारा Hb है वो किस चीज, हीमोग्लोबिन किस चीज को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को. और अगर हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो उतना ही कम जो बाइंडिंग होगी वो ऑक्सीजन की होगी. सो द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद डिस्निया. ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ एचबी द पेशेंट विल बी पेलर एंड टेकिकार्डिया विल बी देयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज ऑन द थर्ड डे आफ्टर अ पार्शियल थायरोडेक्टमी patient exhibit muscle twitching and hyper irritability of the nervous system. When questioned, the client report numbness and tingling of the mouth and fingertips. Suspecting a life-threatening electrolyte disturbance, the nurse notified the surgeon immediately. Which electrolyte disturbance most commonly follows thyroid surgery? So the options are hypocalcemia, hyponatremia, hyperkalemia, hypermagnesemia. So the right answer is option number A, that is hypocalcemia, because thyroid gland ke saath parathyroid gland hota hai. During the time of thyroid surgery, parathyroid hormone, parathyroid gland hai, usme patient ko injury ho sakti hai. Toh jiski wajah se calcium level will get affected. So the patient will be present with hypocalcemia, jiski wajah se jo symptoms hai, ye humare hypocalcemia ke symptoms hai. Now the next is, the adrenal cortex is responsible for producing which substance? And the options are glucocorticoids and androgen. Option number B is catecholamines and epinephrine. Option number C is mineralocorticoids and catecholamines. And option number D is norepinephrine and epinephrine. So hamara jo adrenal gland hai, usme hamare paas ek cortex hota hai, jo outer part hai, aur inner part hamara medulla hota hai. And dono part hamare different हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. सो एड्रिनल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन. अगर हम हमारे मेडुला कॉर्टेक्स की बात करते हैं दैट इज द आउटर पार्ट, वहां पे हमारे थ्री हॉर्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन. और जो हमारे हमारा एड्रिनल मेडुला है उसमें हमारे नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जो है कैचेकोलामाइंस जिन्हें हम कहते हैं वो वाले हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज नर्स एडमिनिस्टर्ड एनपीएच दैट इज न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डोन इंसुलिन टू अ डायबिटिक क्लाइंट एट 7 AM. एट वॉट टाइम वुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू बी मोस्ट एट रिस्क फॉर हाइपोग्लाइसीमिक रिएक्शन. एंड द ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए इज 10 AM, ऑप्शन नंबर बी इज नून, ऑप्शन नंबर सी इज 4 PM एंड ऑप्शन नंबर डी इज 10 PM. सो अगर पेशेंट को एनपीएच लगाया है तो कौन से टाइम पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 4 PM, बिकॉज एनपीएच इट इज अ इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड दैट पीक्स 8 to 12 आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. एंड बिकॉज एट इट इज गिवन एट 7 AM
सो द फीमेल इज एट ए रिस्क कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया जो 3 PM से 7 PM के बीच में हो सकता है, तो इसलिए 4 PM इज इन द ऑप्शन. सो इट इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज अ फीमेल क्लाइंट नर्स निकी दैट शी हैज बीन वर्किंग हार्ड फॉर लास्ट 3 months टू कंट्रोल हर type 2 diabetes mellitus with diet and exercise. To determine the effectiveness of the client's efforts, the nurse should check, and the options are urine glucose level, fasting blood glucose level, serum fructosamine level, and glycosylated hemoglobin level. So, इसमें जो हमारा correct answer है, that is option number D, that is glycosylated hemoglobin level, because this will help us in determining the 3 months ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द पेशेंट. तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है. नाउ द नेक्स्ट इज अ क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिंड्रोम ऑफ इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट एंड द ऑप्शंस आर इन्फ्यूजिंग आईवी फ्लूइड रैपिडली एज ऑर्डर्ड एनकरेजिंग इंक्रीज्ड ओरल इनटेक रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड्स administering glucose containing IV fluids as ordered. So inappropriate antidiuretic hormone hai, which is also known as vasopressin, jo ki hamara posterior pituitary gland release karta hai. So agar patient ki body mein ADH ka level increase ho jata hai, to us time pe jo patient hai, patient will be present with edema. So that's why restricting fluid is the right intervention. Because it will help in the reabsorption of salt and water from the tubules. And agar iska level already increase ho gaya hai, to aur zyada reabsorption will be there. And uski wajah se the patient will be present with edema. Now the next is, nurse is caring for a client in an acute Addison crisis. Which lab data would the nurse expect to find? And the options are hyperkalemia, reduced blood urea nitrogen. Option number C is hypernatremia and hyperglycemia. So the patient is present with Addisonian crisis. So इसमें हम hyperkalemia के लिए patient को observe करेंगे because aldosterone cause sodium to be absorbed and potassium to be excreted into the lumen by principal cell. So जो aldosterone hormone है वो क्या करता है, sodium की reabsorption करता है और potassium का एक्सक्रीट आउट करता है. तो अगर पेशेंट को ये क्राइसिस है तो उसमें हाइपरकैलेमिया के लिए हम पेशेंट को चेक करेंगे. नाउ द नेक्स्ट इज ए पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इज डायग्नोस्ड विद प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. The diagnosis indicate that the client's hypertension is caused by excessive hormone secretion from which of the following gland? And the options are adrenal cortex, pancreas, adrenal medulla or parathyroid. So already this we have discussed ki jo hamara adrenal hai, usme cortex hai aur medulla hai. Medulla mein catecholamines hormone produce hote hain, that is epinephrine and nephrine. Aur jo hamara cortex hai, usme hamare glucocorticoids, androgen and mineralocorticoids produce hote hain, secrete hote hain. So patient ko agar hypertension hai, to aur saath mein hyperaldosteronism hai, to is time hum patient ko adrenal cortex ke liye check karenge. It means this hormone is due to the problem in the adrenal cortex because jo hamara yahan pe hormone jo produce ho raha hai wo hamare sodium ko reabsorb karega, to uski wajah se patient ko hypertension aur zyada ho sakta hai. So excessive secretion of aldosterone in the adrenal cortex is responsible for client's hypertension because it will act on the renal tubule where it promote reabsorption of the sodium and excretion of the potassium and hydrogen ions. Now the next is a male client with type 1 diabetes is scheduled to receive 30 unit of 70/30 insulin. There is no 70/30 insulin available. As a substitution, the nurse may give the client 9 unit regular insulin and 21 unit of NPH, 21 unit of regular insulin and 9 unit of NPH, 10 unit of regular insulin and 20 unit of NPH, and option number D is 20 unit of regular insulin and 10 unit of NPH. So already we have discussed ki NPH hamara intermediate
इंसुलिन है और रेगुलर इंसुलिन हमारा शॉर्ट एक्टिंग है और वी कैन से रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है. तो इसमें हम पेशेंट को ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज जो हमारा एनपीएच है उसकी प्रिपरेशन में हम 70% एनपीएच लेते हैं और 30% हम रेगुलर इंसुलिन लेते हैं. सो 9 यूनिट ऑफ 21 यूनिट ऑफ एनपीएच एंड 9 यूनिट ऑफ इंसुलिन वी विल टेक. नाउ द नेक्स्ट इज A heparin infusion at 1500 units per hour is ordered for a 64-year-old client with stroke in evolution. The infusion contained 25,000 units of heparin in 500 ml of saline solution. How many milliliter per hour should be given? And the options are 15 ml per hour, 30 ml per hour, 45 ml per hour or 50 ml per hour. So patient ko hum kitna de rahe hain? 1500 यूनिट पर आवर ऑर्डर है और 500 ml में 25,000 यूनिट्स हैं. तो हम पेशेंट को कितने ml पर आवर पे इन्फ्यूजन स्टार्ट करेंगे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 ml पर आवर. सो ये हमने कैसे करना है कि 500 ml में 25,000 है यूनिट्स, सो 1 ml में कितनी यूनिट्स होंगी? तो इसमें हम हमारा जो नॉर्मल मेथड है वही हम यूज करते हैं कि 500 ml और ये हमारा एक साथ हो जाएगा एंड 25,000 और मतलब जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं और जो हमारे पास में हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 500 विल बी दिस एंड 25,000 विल बी 1 ml, सो दैट विल गिव अस 50 यूनिट पर ml, मतलब कि 1 ml में 50 यूनिट हैं. तो 1500 यूनिट कितने ml में होंगी? तो सेम वी विल गो फॉर 1, इफ 1 ml इज प्रेजेंट इन 50 यूनिट्स, 1 ml is present, 1 ml contain 50 units of heparin, so how many ml will contain 1500 units? So same formula we will use, so that will give us 30 ml. So we will start with that 30 ml per hour. Now the next is, which of the following landmark is the correct one for obtaining an apical pulse? And the options are left intercostal space, mid axillary line, left fifth intercostal space, mid clavicular line. Option number C is left second intercostal space, mid clavicular line. And option number D is left seventh intercostal space, mid clavicular line. So, isme jo hamara correct answer hai, that is option number B, that is left fifth intercostal space, mid clavicular line. Yahan pe hume apical pulse jo hai wo auscultate karni hoti hai. Now, the next is, the murmur is heard at the second left intercostal space along the left sternal border. Which valve area is this? And the options are aortic, mitral, pulmonic or tricuspid. So left intercostal space hai. So this area is the pulmonic space. Option number C is the right answer. So agar hum isme dekhte hain, jo hamara aortic valve hota hai, wo hamara राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है. पल्मोनरी वेल्व हमारा लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है. ट्राइकस्पिड वेल्व हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है ऑन द लेफ्ट साइड. एंड मिट्रल वेल्व हमारा जो होता है वो हमारा फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे होता है. नाउ द नेक्स्ट इज, what supplemental medication is most frequently ordered in conjunction with furosemide Lasix? And the options are chlorine, digoxin, potassium or sodium. So the right answer is option number C, potassium. So along with furosemide, potassium should be given to the patient, because supplemental potassium is given with furosemide because of the potassium loss that occur as a result of the diuretic. Because hamara jo furosemide hai, it is a loop diuretic jo ki ascending loop of Henle ke upar act karta hai, aur jitna bhi hamara extra fluid hai along with the electrolyte, that is sodium, potassium, magnesium, calcium, unko excrete out karta hai. So but they may also cause the body to eliminate excessive amount of potassium, which might be expected to increase mortality from heart arrhythmia. Because potassium ka level agar kam ho jayega, so there are chances ki heart related arrhythmia can be there. So as a precautionary measure, along with the loop diuretic, potassium should be given. Now the next is, a patient is admitted with severe pain in the knees. Which form of arthritis is characterized by urate deposits and joint pain, usually in the feet and legs, and occur primarily in men over age 30?
एंड द ऑप्शंस आर सेप्टिक अर्थराइटिस, ट्रोमेटिक अर्थराइटिस, इंटरमीडिएट अर्थराइटिस और गाउटी अर्थराइटिस. सो यूरेट डिपोजिट्स है, सो दैट इज नोन एज गाउटी अर्थराइटिस ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरेट. दैट मीन्स इट इज अ गाउट, इट इज द हाइपर यूरिसीमिया. गाउट इज नोन एज हाइपर यूरिसीमिया मीन्स इन केस वेन द यूरिक एसिड इंक्रीज इन द ब्लड विच इज अ मेटाबॉलिक डिजीज एंड वेन यूरिक crystals, uric acid crystal, which are also known as urate deposit into the pain, into the joint, it will lead to the pain. Now the next is, Heberden's node are a common sign of osteoarthritis. Which of the following statement is correct about this deformity? And the options are, it appear only in men. Option number B is, it appear on the distal interpharyngeal joint. Option number C is, it appears on the paroxysmal interpharyngeal joint. Option number D is, it appear on dorsolateral aspect of the interpharyngeal joint. So Heberden nodes jo hai, it is a commonest sign jo ki osteoarthritis mein present hota hai, and it appear on the distal interpharyngeal joint. Hamare paas osteoarthritis mein do signs hote hain, that is the Heberden node and Bouchard node. Heberden nodes kya hote hain? These are the bony bumps on the finger joint closest to the fingernail. And bony bumps on the middle finger of the middle joint of the finger are known as Bouchard nodes. So this is the example. जो हमारा Heberden node होगा वो distal होगा, distal proximal joint. मतलब जो हमारा joint है उससे थोड़ा दूर होगा, उसके पास नहीं होगा. And it is near to the finger tip और finger nail. और जो हमारा Bouchard hand Bouchard node है वो हमारे middle finger में होता है. So this is the Bouchard node. Now the next is, a nursing instructor is conducting a nursing instructor is conducting a lecture and is reviewing the function of female reproductive system. She asks the student nurse to describe the follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. The nurse student nurse accurately respond by stating that FHS and LH are released from the anterior pituitary gland. They are secreted by the corpus luteum of the ovary. They are secreted by the adrenal gland and they are stimulated the formation of milk during pregnancy. So, जो हमारा FHS है और LH है, that is secreted by the anterior pituitary gland. So, option number A is the right answer. जो हमारा follicular stimulating hormone है, luteinizing hormone है, that is stimulated by the gonadotropin releasing hormone, which is secreted from the hypothalamus. And in response to the pituitary, anterior pituitary gland will release the FSH and LH. Now the next is, a nurse is describing the process of fetal circulation to a client during a prenatal visit. The nurse accurately tells the client that fetal circulation consists of, and the options are, two umbilical vein and one umbilical artery, two umbilical artery and one umbilical vein, arteries carrying oxygenated blood to the fetus and veins carrying deoxygenated blood to the fetus. So in the fetal circulation, we have two umbilical arteries and one umbilical vein. And umbilical arteries carries the deoxygenated blood and umbilical vein carries the oxygenated blood. Now the next is, during a prenatal visit at 38 weeks, a nurse assesses the fetal heart rate. The nurse determines that the fetal heart rate is normal if which of the following is noted. And the options are 80 beats per minute, 100 beats per minute, 150 beats per minute or 180 beats per minute. So the right answer is option number C, that is 150 beats per minute, because the normal fetal heart rate is 120 to 160 beats per minute, and if it is more than 160 and less than 120, it suggests fetal distress. So, आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.